ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे। हरे कृष्ण तो हम लोग देख रहे थे भगवद्गीता 6th चैप्टर। ये 6th चैप्टर का एक्रोनिम है इजी। इसका जो पहला सेक्शन था ई एनिमी और फ्रेंड, जिसमें योगा रुरुक्षु से योगा रूढ़, योगा की बेसिक स्टेज से एडवांस स्टेज पे जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है कि योगी का जो मन है वो नियंत्रण में रहना चाहिए। मन है उसका शत्रु भी है और उसका मित्र भी है। फिर ए फॉर अष्टांग योगा। एक बार योगा रूढ़ स्टेज के बारे में बताने के बाद, वो योगा रूढ़ स्टेज पे कैसे योगा का प्रैक्टिस करना है वो 10 से 36 में बताया हुआ है। उसके बाद एस फॉर सक्सेस और फेलियर। तो जब भगवान बताते हैं अष्टांग योग के नियमों के बारे में, तो अर्जुन का ये संशय होता है कि इसमें तो बहुत मुश्किल है सक्सेस प्राप्त करना। तो उस योगी का क्या होता है जो स्टार्ट करता है योगा का प्रोसेस लेकिन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। और फिर वाई फॉर योगी 46 और 47 में, जिसमें भगवान बताते हैं कि हाईएस्ट योगी कौन है। तो आज से दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे। 9 श्लोक तक हमने देखा था पहले, 10th वाले से, 10 से 20 पहले ये डिसाइड करते हैं। योगी युञ्जीत सतात्मानं रह, योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि तथा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्या स्थिरम् आसनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रमणा कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविषयासिनेयुञ्ज योगा आत्मविशुद्धये। समं काया शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्यनासिकाग्रं स्वं दिशाश्च अवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी वृते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्ता सीतवत्परा। युञ्जेनेवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसा शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। नाति नाति अश्नता तु योगी अस्ति ना चैकान्तमनश्नता ना चा अति स्वप्नशीलस्या जागृतो नैव अर्जुना। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तसपनावबोधस्य योगी भवति दुःखः। यदा विनेतं चित्तम् आत्मनियेवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्तो नेङते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। यत्रुपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखं मत्यान्तिकं यत्तत्
बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम एतियत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगावियोगं योगसंहितम्। तो 10वें श्लोक से ये बताना शुरू करते हैं यहाँ पे भगवान किस प्रकार से जो ये अष्टांग योगी है ये योगा रूल स्टेज पे किस प्रकार से योग की प्रैक्टिस करता है। योगी युंजीत सततम आत्मा नम्र हसीस तथा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजीत सततम, योगी मतलब जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो योगी है, युंजीत वो हमेशा इंगेज रहता है, सततम ऑलवेज हमेशा इंगेज रहता है। आत्मानम रहसी स्थिता, आत्मानम मीन्स आत्मा शरीर के लिए भी है, मन के लिए भी है और आत्मा के लिए भी है। रहसी एक सेक्लूडेड प्लेस में, एक एकांत स्थान में स्थिता वो सिचुएट रहता है। तो जो योगी है वो हर जो अष्टांग योगी है वो एक एकांत स्थान में जाके और योग में स्थित रहता है, एकाकी यत चित्तात्मा, और उसका जो चित्त है वो भी फोकस है। तो बाहरी रूप से, एक्सटर्नली रूप से जिस जगह पे वो अष्टांग योगा कर रहा है वो जगह भी एकदम एकांत में एकदम शांत है, और अंदर इंटरनली उसका जो मन है वो भी एकदम शांत है। दोनों चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का, तो एकदम ऐसी जगह पे है जो सेक्लूडेड प्लेस है जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो वहां पे अपने मन को वो फोकस कर सकता है। निराशीर अपरिग्रह, निराशीर मतलब आशाएं, सारी आशाएं, भौतिक सारी आशाओं को वो छोड़ देता है, सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग करके। अपरिग्रह मतलब जो भौतिक भौतिक जो समा मटेरियल पोजेशंस, भौतिक रूप से किसी भी सामग्री को वो इकट्ठा करके नहीं रखता, वो जो पोजेशन का भाव है, चीजों को इकट्ठा करने का, संग्रह करने का जो भाव है उसको त्याग कर देता है। तो जो योगी है, अष्टांग योगी, वो जाता है एक ऐसी एकांत जगह को चुनता है जहाँ पे कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो बाहर से भी शांति रहती है और अंदर से भी एकाकी यत चित्तात्मा, अपने मन को पूरी तरह फोकस करके, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, कोई भौतिक सामग्री नहीं, ऐसे वो फोकस करता है। तो प्रभुपाद जी ये ट्रांसलेट तात्पर्य में आप देखेंगे, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो भी मेडिटेट करते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं ब्राह्मण पे मेडिटेट करते हैं ये, और जो ध्यान योगी रहते हैं परमात्मा पे मेडिटेट करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो लोग भी इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस हैं, लेकिन डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस होना ज्यादा अच्छा है। और प्रभुपाद जी ये जो सारी कंडीशन है इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव में बताते हैं कि किस प्रकार से जो अष्टांग योगी की ये सारी जो कंडीशन है कि एकांत स्थान होना चाहिए, कोई भौतिक सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए, मन फोकस रहना चाहिए, तो जो भक्ति योगी होता है, भक्ति योगी ये सारी कंडीशन अपने आप फुलफिल कर देता है जो अष्टांग योग की कंडीशन है। तो पहले प्रभुपाद जी ने बताया कि जो ब्रह्मवादी है वो भी कृष्ण कॉन्शियस है लेकिन इनडायरेक्टली, ऐसे जो मेडिटेट कर रहे हैं अष्टांग योग में वो परमात्मा पर मेडिटेट करते हैं, तो ये दोनों इनडायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियस है, जो डिवोटी रहते हैं वो डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। फिर प्रभुपाद जी अपरिग्रह के बारे में बोलते हैं कि जो भक्त हो जब तो भक्ति योगी जो रहता है वो अब किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहता, और एट द सेम टाइम जो भी चीज भगवान की सेवा में उपयोग की जा सकती है ये तो उसका वो उपयोग करता है भगवान की सेवा में, और इस तरह वो अपरिग्रह ये संग्रह की प्रवृत्ति से ऊपर रहता है।
और प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु से भी कोट करते हैं कि जो चीज भगवान की सेवा में यूज की जा सकती है उसका अगर कोई त्याग करता है तो उसको फाल्गु वैराग्य बोलते हैं। उसको कोट करते हैं ये श्लोक, अनासक्तस्य विषयान यथार्थम उपयुञ्जता निर्बन्ध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते प्रापांचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुना मोक्षु भी परित्यागो फाल्गु वैराग्य कथ्यते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं जो डिवोटी होते हैं वो परफेक्ट योगी, जो डिवोशनल लाइफ में एक बार आ जाता है वो क्या हो जाता है, वो परफेक्ट योगी हो जाता है, अपरिग्रह है, क्योंकि वो हर चीज भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहा है। अब यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, तो अष्टांग योग के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, जो हठ योगा में भी रहता है, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम, ये फिजिकल एस्पेक्ट है। हाँ, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ध्यान योगा का क्या है, जब वो इंटरनल पे जो वर्क हो रहा है, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये इंटरनल है इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दो चीजें एक्सप्लेन की हैं, पहला तो अपरिग्रह को एक्सप्लेन किया है कि जो कृष्ण जो डिवोटी रहता है वो संग्रह की प्रवृत्ति से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ उपयोग नहीं करता, भगवान की सेवा में उपयोग करता है। जो अष्टांग योगी होता है वो सारी चीजों को त्याग देता है। दूसरा चीज बताते हैं एकाकी, जो भक्त रहता है वो भी अकेले ही रहता है एक तरीके से, क्योंकि कृष्ण भावना भावामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार ना रखने के कारण, जो लास्ट दो लाइन है पर्पोट के, वो सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत पर रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी रहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो डिवोटी रहता है ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर देता है। जहां भी योगा आता है इस चैप्टर में, अभी भी कई जगह आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने कई जगह तात्पर्य में कंडेम करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, कि ज्यादातर जब प्रभुपाद जी वेस्ट में गए और जो योग का आज भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों को यही है कि थोड़ा बहुत प्राणायाम करना है, ये करना है, और उसके बाद हेल्थ अच्छा रखना है, फिर इंद्र तृप्ति करना है। लेकिन योगा का मेन उद्देश्य ये है कि इंद्र तृप्ति का त्याग करना है। योगा का मतलब क्या है कि इंद्र तृप्ति का त्याग करना है, ये मेन उद्देश्य है उसका। तो प्रभुपाद जी ये जो योगा लोग करते हैं आजकल, इसको बहुत इसकी आलोचना करते थे, कोई योगासन कर रहा है और कितने डिफिकल्ट योगासन कर सकता है, शो ऑफ ज्यादा कर रहा है ये। लेकिन योगा का मेन चीज है कि जो मन है वो नियंत्रण में होना चाहिए, फिजिकल कंपटीशन नहीं है योगा, कौन कितना योगा कर सकता है, कितना जिम्नास्टिक कर सकता है, कितना वेट उठा सकता है, ये तो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद, ये बताने के बाद, अब नेक्स्ट 11 और 12 में भगवान बताते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस अष्टांग योगा की क्या है। शुचो देशे प्रतिष्ठा प्यास स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चतम नाति नीचम चैलाजंकुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविशयासने युञ्ज योगम आत्मविशुद्धये। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्या, शुचो मीन्स सेक्रेड प्लेस, हाँ वो प्लेस साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, शुचो मीन्स प्योर सैंक्टिफाइड। तो एक्चुअली ये सारी जो चीजें हैं साधना भक्ति के स्तर पे सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। हाँ, अब जो गौर किशोरदास बाबा जी हैं वो तो टॉयलेट में जप किया करते थे, हाँ लेकिन अगर हमको टॉयलेट में बिठा दिया जाए जप करने के लिए, तो मंदिर में तो जप होता नहीं है अच्छे से कई बार, तो टॉयलेट में व्यक्ति कैसे कर लेगा। तो जो परमहंस है उसके लिए तो कोई चीज बाहरी चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए फर्क पड़ता है। इसलिए व्यक्ति कहीं घर पे है, हम लोग जहाँ रहते हैं वॉइस में रहते हैं और भी कहीं रहते हैं, एक टेम्पल हॉल टाइप एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना चाहिए। सचिनंदन स्वामी महाराज भी अपनी बुक में लिखते हैं क्रिएटिंग अ सेक्रेट स्पेस,
वो टेम्पल हॉल टाइप एक जगह बनाने से जो क्लीन रहे, जिसका केवल उपयोग साधना के लिए किया जाए, जहाँ भगवान के फोटोज हैं, तो अच्छा रहता है। तो यही बताया जा रहा है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्या। शुचो मीन्स पवित्र जगह, देशे प्रतिष्ठाप्या, ऐसी जगह पे योगी जाता है, अष्टांग योगी योग करने के लिए एक शुद्ध पवित्र जगह को ढूंढता है। स्थिरम आसनम आत्मना, और फिर स्थिर आसन में बैठता है। हाँ, तो ऐसा जैसे हम लोग जब करते हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, वैसे नहीं कर सकता अष्टांग योगी। ये स्थिरम आसनम, एक में आसन में बैठ गया तो बैठ गया, नो शेकिंग, नो मूविंग, कुछ हिलना नहीं चाहिए, स्थिर। नाति उच्चरितम नाति नीचम, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। अगर एकदम ऊंचा है, पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया, तो फिर पहाड़ के ऊपर से सब कुछ देखेगा ना, उसको सब कुछ दिखेगा पहाड़ के ऊपर से, तो भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एकदम नीचे अगर वो बैठा है, तो भी उतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि एकदम नीचे अगर आसन है एकदम, तो क्या है, कहीं कीड़ा आ रहे हैं, कहीं चींटी आ रही है, कहीं छिपकली आ रही है, तो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए बताया है, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए आसन, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा ऊंचा होगा आसन तो ज्यादा चीजें देखेगा, वो भी हेल्दी नहीं है, कि एकदम बहुत ऊंचे आसन पे बैठा है, तो जितने ऊंचे पे है तो नीचे वाली चीज दिखाई देगी, और नीचे वाली चीज, और बहुत एकदम नीचे बैठा हुआ है तो कीड़े मकोड़े ये सब उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरह से बताया गया। तो चैला जन कुशोत्तरम, तो कुशोत्तरम मीन्स कुशाग्रास, तो किस पे वो यूज करता है कुशाग्रास को, और चैला जिन बोलते हैं टाइगर स्किन, टाइगर जो स्किन होती है, इसको रिकमेंड किया गया है। तो क्योंकि जो टाइगर स्किन रहती है, जो मृग छाल रहती है, उससे क्या है, उसके पास सर्प वगैरह नहीं आते। तो अभी जंगल में जाके ये योगा कर रहा है, हाँ, तो सांप वगैरह उसके पास नहीं आते, वो पवित्र रहती है, कोई कीड़े मकोड़े भी उसके पास नहीं आते, तो इसको यूज किया जाता है। तो ये चैला जी पुरुषोत्तरम, तो उसको टाइगर को मारना नहीं है, वो तो योगी है, अहिंसा भी एक प्रिंसिपल है योगी के लिए, ऐसा नहीं गन लेके जा रहा है, पहले टाइगर को शूट कर रहा है, फिर टाइगर स्किन पे बैठ के योगा कर रहा है, नहीं। अगर किसी मरे हुए टाइगर का उसको मिल जाए, नेचुरली मिल जाए, हाँ, वो सिद्धांत है, या मृग छाल उसको मिल जाए, और फिर वहां बैठ के उसको क्या करना है, तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, वहां पे उसको एकाग्रम मना कृत्वा, उसको माइंड को फिक्स करना है, एकाग्रम, वन पॉइंटेड अटेंशन, यत चित्तेन्द्रिया क्रिया, तो और मन की जो क्रियाएं हैं उसको अपने कंट्रोल में लाना है। उपविषयासने युञ्जात, और वहां पे उपविषयासने, एक आसन पे बैठ के वो योगा में इंगेज होता है। किस लिए इंगेज होता है, आत्म शुद्ध है, अपने शुद्धिकरण के लिए। ये तो योगी इस तरीके से एक शुद्ध जगह पे जाता है, एक स्थिर आसन में बैठता है, आसन ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे नहीं, तो मृग छाल पे या शेर की छाल पे, कुशाग्रास के ऊपर, तो शेर की छाल है उसके ऊपर कुशाग्रास है, उसके ऊपर बैठता है, और उसके मन को एकदम फोकस करके, सारी क्रियाओं को नियंत्रण करके योग में लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनका काफी उपयोग हो सकता है। ये जो चैप्टर हैं, विशेषकर शुरू के 6 चैप्टर्स में बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं साधना भक्ति के लिए, और उसमें भी ये जो 6 चैप्टर में सबसे ज्यादा गाइडलाइंस दी है साधना भक्ति करने में कैसे फोकस करना चाहिए। तो कोई बोल सकता है तो अष्टांग योग का चैप्टर है तो हमारे लिए है नहीं, तो भक्ति योगियों के लिए है नहीं, हाँ, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिस है वो भक्ति योग के में जो साधक है उसके लिए बहुत एप्लीकेबल है। इसमें एकदम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं जो साधना भक्ति में अप्लाई किया जा सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग जप कर रहे हैं, या जहाँ भी हम अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जगह क्लीन होनी चाहिए, जगह क्लीन होनी चाहिए, आसन पवित्र होना चाहिए, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये वैसा है। तो जितना फोकस होके करेंगे,
हाँ परिग्रह, तो व्यक्ति तो हम तो मोबाइल लेके ही सब कुछ करते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसको हमारे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इसको हमारे लाइफ में चैंटिंग करते समय, रीडिंग करते समय, हियरिंग करते समय इसका एप्लीकेशन है। जितना माइंड फोकस होगा, जितना प्लेस फोकस्ड होगा, जितना डिस्ट्रैक्शंस कम होगा, उतना इजी होगा। अब ये बताने के बाद अर्जुन को कि कैसे बैठना है आसन के बारे में, अब भगवान 13 और 14 में बताते हैं कैसे मेडिटेट करना है अर्जुन को। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिते मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। समम काया शिरो ग्रीवम, काया मीन्स बॉडी, ये जो बॉडी है, और शिरो मीन्स हेड, और ग्रीवम मीन्स नेक, ये सम रहना चाहिए, शिरो काया और ग्रीवम। तो कोई अष्टांग योगी है, जैसे हमारे लोग जप में ऐसे ऐसे हो जाता है धीरे धीरे, अष्टांग योगी ऐसे नहीं कर सकता, तीनों एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ये बताए। अच्छा जप करने के लिए भी एप्लीकेबल है, तीनों क्या रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, ये समम काया शिरो ग्रीवम, ये तीनों उसका जो ये धारयन् अचलम स्थिरा, और धारयन् अचलम स्थिरा, और जो योगी है वो ऐसे इधर उधर नहीं देख सकता, अचलम एक जगह वो फोकस करता है, स्थिर रहता है एकदम। संप्रेक्ष्य तो कहाँ देखता है वो, नासिकाग्रम, नासिका के अग्र भाग में वो देखता है, दिशाश्चन अवलोकन, ये तो बाकी और दिशाओं में नहीं देखता, एक जगह पे देखता है, नासिका के अग्र भाग में देखता है। तो 5th चैप्टर में भी 2 श्लोकों में शॉर्ट में अष्टांग योग बताया था, 5.27 और 28 में, और यहाँ पे भी ये उस वहां पे भी बताते हैं कि ध्रुव और मध्य, आंखों के मध्य में वो उसको फोकस करना चाहिए, और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसको नासिका के अग्र भाग में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये प्लेस कोई स्पेशल नहीं है, कि नासिका का अग्र भाग कोई स्पेशल है या आईब्रोज के, बेसिकली पॉइंट क्या है कि माइंड को अगर ज्यादा, अगर किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इधर उधर भटकेगा, जितनी चीजों को देखेगा उतने के बारे में सोचेगा, इसलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है कहीं तो उसको माइंड को लेके आना है, ये तो ये कंडीशन इसमें बस बताई गई है। समम काया शिरो गीवं धारेण अचलम स्थिता संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दशाश्चन अवलोकयन, ये तो जो हम लोग है जैसे चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग में व्यक्ति को नींद आ रही है तो खड़े होकर भी चैंटिंग कर सकता है। योगियों के लिए, अष्टांग योगी के लिए ऐसा नहीं है कि उसका जम नहीं रहा है तो बैठने में तो खड़े होकर अष्टांग योगा करने लगा, नहीं, उसके लिए सारा कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ योगासन वैसे चलते हुए नहीं कर सकता वो अष्टांग योगा, ये प्रशांत आत्मा, इसके बाद बताया विगत भी। तो पहले क्या है, एक्सटर्नल कंडीशन बताइए, जो 6.11 और 12 में भी देखेंगे तो 11 में एक्सटर्नल चीजें के बारे में बताया, 12 में इंटरनल, इसी तरह 6.30 में एक्सटर्नल बताया है योगी मेडिटेट करने के लिए एक्सटर्नल कैसे रहना चाहिए, ये समम काया शिरो ग्रीवम, ये सिर, ये गला और ये पूरा बैकबोन सीधा रहना चाहिए। अब उसके बाद इंटरनल बता रहे हैं, तो इंटरनल क्या है, प्रशांत विगत भी, प्रशांत पीसफुल रहना चाहिए उसका माइंड, विगत भी कोई उसको भय नहीं रहना चाहिए। तो योगी क्योंकि क्या है, अष्टांग योगी जंगल में मेडिटेशन कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो बाजू में गन लेके बैठा है कि कोई टाइगर आएगा तो मैं शूट कर दूंगा, नहीं। तो वो क्या है कि उसका मन पीसफुल रहना चाहिए, कोई भय नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसलिए अष्टांग योग करना कितना मुश्किल है, तो पहले तो जंगल में जाओ और वहां पे मेडिटेशन करो, और जंगल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले तो क्या है कि जंगल ही नहीं है कलयुग में,
अब उसके बाद जंगल में अगर चले गए तो बहुत कम जंगल है, और जंगल में अगर चले भी गए तो शांत जगह, शुद्ध जगह ढूंढना वो बहुत मुश्किल है। और वहां चले भी गए तो इतने सारे डेंजरस एनिमल हैं, उससे भय नहीं रहना चाहिए। अष्टांग योगी अगर बीच बीच में आंख खोल के देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा, वो नहीं कर सकता अष्टांग योग। कोई भय नहीं रहना चाहिए। और अभी आजकल तो अगर जानवरों से ज्यादा तो मनुष्यों का भय है, कोई डाकू आ गया, कुछ आ गया। तो इसीलिए अष्टांग योग करना बहुत प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल है आज की डेट में। एक्सटर्नल एस्पेक्ट इतना इम्प्रैक्टिकल है, इंटरनल एस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए। तो प्रशांत आत्मा विगत भी, ये भी कंडीशन है मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि माइंड पीसफुल नहीं है तो कैसे मेडिटेट करेगा, और माइंड में अगर भय है तो मेडिटेट कैसे करेगा। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और उसको ब्रह्मचारी के व्रत पे स्थित रहना है। ये पहला श्लोक है लगभग आई थिंक भगवत गीता में, जिसमें पहली बार बहुत स्पेसिफिकली ब्रह्मचारी के बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी भगवान। 4.26 में भी इनडायरेक्ट रेफरेंस है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भी वापस से बता रहे हैं। तो इंद्रिय संयम के बारे में दूसरे अध्याय में बहुत बार बोला है भगवान ने ये, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हाँ ब्रह्मचारी इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जो योगा, जो डेफिनेटली जो अष्टांग योग कर रहा है उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। हाँ तो ब्रह्मचारी क्या है, उसके लिए बेसिक कंडीशन है, ब्रह्मचारी के बिना वो नहीं कर सकता है उसको। तो क्योंकि जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसका डिटेल अब प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में ब्रह्मचारी के बारे में डिटेल में बताया है कि ब्रह्मचर्य की क्या डेफिनेशन है। कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्था सुसर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। तो ब्रह्मचारी के बारे में तात्पर्य में दूसरे पैराग्राफ में डिटेल में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होना चाहिए और ब्रह्मचारी का क्या ड्यूटी है। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है तो उसमें एक्सप्लेन करते हैं। कि जब इस तरह से जो व्यक्ति अष्टांग योग करता है, जो 14वें श्लोक में दिया है, जो कि वास्तव व्यवहारिक जीवन में करना बहुत मुश्किल है, तो बहुत समय तक अष्टांग योग के इस तरह से जो प्रैक्टिस करता है योगी एकदम परफेक्शन के साथ, तो उसको जो रिजल्ट मिलता है वो 15th श्लोक में है। युञ्जने एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसा शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। युञ्जने एवं सदा आत्मानं, युञ्जने एवं सदा आत्मानं, युञ्जन एवं जो योगी इंगेज है, सदात्मानं सदात्मानम सदा हमेशा कॉन्स्टेंटली इंगेज है आत्मानम, अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा पूरी तरह से वो योगी इंगेज है। योगी नियत मानसा, और उसका मन पूरी तरह से नियंत्रित है, कंट्रोल है, तो उसको क्या प्राप्त होता है, शांति निर्वाण, शांति पीस, निर्वाण परमम, निर्वाण परमम मतलब जो भौतिक संसार है उससे मुक्ति, मत संस्थाम, मत संस्थाम मीन्स भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम, अधिगच्छति वो उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऐसा अष्टांग योगी है जो 14वें 13वें 14 श्लोक में वर्णन किया है, उस प्रकार से सम्यक रूप से अष्टांग योग का पालन करता है, तो ऐसा जो योगी है उसको शांति प्राप्त होती है, भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम को आ जाता है। तो भगवान ने एग्जैक्टली मेरा धाम यहाँ पे नहीं बोला है, पर हाईएस्ट डेस्टिनेशन, हाईएस्ट जो डेस्टिनेशन है उसको वो प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे वापस प्रभुपाद जी वो पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि योगा का क्या उद्देश्य है। तो जो योगा है कोई केवल शरीर को हेल्दी बनाने के लिए नहीं है, या
या जो योगा है किसी मटेरियल परफेक्शन के लिए नहीं है। योगा इसलिए है मटेरियल एग्जिस्टेंस को एंड करने के लिए। ये उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि योग का क्या उद्देश्य है। अब उसके बाद 16वें और 17वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो योग का पथ है इसमें रिकमेंडेशन, दो चीजों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो दो श्लोक 16 और 17, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति ना च कांतम अनश्नता ना चाति स्वप्नशीलस्या जागृतो नैव चार्जुना। तो यहाँ पे बोलते हैं ना अति अश्नता, जो ज्यादा खाने वाला है, ना अति अश्नता योगोस्ति ना चा एकांतम अनश्नता, और जो बिल्कुल भी भोजन नहीं करने वाला है, ना चा अति स्वप्नशीलस्या, जो ज्यादा सोने वाला है, जागृतो नैव च अर्जुना, और जो बिल्कुल सोने वाला नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो योगी है उसको एक बैलेंस चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियम की संस्तुति की गई है। तो अगर कोई योगी है, या भक्ति योगी है, चाहे ज्ञान योगी है, चाहे अष्टांग योगी, कोई भी है, तो अगर कोई योग के पथ पे है, ऐसा है, तो ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए ईटिंग और स्लीपिंग उसका रेगुलेटेड रहना चाहिए। ईटिंग बहुत कम करेगा, बहुत अगर कम खाना भोजन करेगा तो बहुत कम करेगा तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन जनरली ये लोग नहीं करते हैं, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये कैटेगरी में लोग नहीं रहते हैं। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट डाइट है उसमें कैसा है, आधा भोजन करना चाहिए, फिर एक चौथाई हवा के लिए, एक चौथाई पानी के लिए। आदमी हवा पानी के लिए तो जगह छोड़ता ही नहीं है ना। तो दूसरा एक्सट्रीम में ज्यादा रहता है, तो अगर कम भोजन करेगा तो भी माइंड डिस्टर्ब रहेगा उसका और शरीर का बैलेंस। ज्यादा भोजन करेगा तो भी डिस्टर्ब रहेगा, तो ज्यादा भोजन करेगा तो ज्यादा सोएगा वो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो भी योगा नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई ज्यादा सो रहा है तो भी तमोगुण में है, तो भी हेल्दी नहीं है, और कोई बहुत कम सोएगा तो इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा उसका। अब जैसे कोई 3 घंटे सो रहा है, 2 घंटे सो रहा है, तो उसका इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। इसलिए एक बैलेंस इसमें बताया जा रहा है। तो ये श्लोक है, अगला श्लोक है, ऑलमोस्ट सेम चीजें बता रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना विबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, उसका युक्त आहार होना चाहिए, विहार आमोद प्रमोद युक्त होना चाहिए, एंटरटेनमेंट। युक्त चेष्टस्य, जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म कर रहा है वो भी युक्त होना चाहिए। युक्त तो सपना अवबोधस्य, जो नींद है जगने का समय है वो भी युक्त होना चाहिए, तो उसको दुख नहीं होगा योगी को। तो उसको प्रॉपरली खाना चाहिए जो शरीर के लिए दवाई का काम करे, ऐसे भोजन को खाना चाहिए। जीवा के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए बहुत ज्यादा। स्वाद के लिए खाएगा तो ओवर ईटिंग करेगा 100%। दवा का कोई ओवर ईटिंग करता है, थोड़ा 3 पैरासीटामोल खा लिया उसने, थोड़ा ओवर ईटिंग हो गया, या 1 चम्मच उसको कोई पीना था, हाँ आयुर्वेद का मेडिसिन, अभी उसने 4 चम्मच पी लिया, नहीं कभी ओवर ईटिंग नहीं होगा ये। तो जीवा के लिए खाएगा तो ओवर ईटिंग होगा, लेकिन शरीर के निर्वाह के लिए ओवर ईटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं युक्त आहार, इसी तरह युक्त विहार, जैसे एंटरटेनमेंट डिवोटीज के लिए स्विमिंग बताया गया, स्विमिंग कर सकते हैं। युक्त विहार एंटरटेनमेंट के लिए, आमोद प्रमोद के लिए गलत चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई मूवी देख के एंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ के एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो अनहेल्दी एंटरटेनमेंट। युक्त चेष्टा, ये संसार में जो नौकरी व्यक्ति कर रहा है वो जो जीवन निर्वाह के लिए, वो भी युक्त होनी चाहिए, उसमें कोई जो 4 नियम को तोड़ने वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए ये। और इतना व्यक्ति बिजी नहीं होना चाहिए उस नौकरी में कि उसके पास टाइम ही नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए।
युक्त चेष्टा, युक्त सपना। हाँ मतलब सोने का समय ऐसा होना चाहिए कि बॉडी को रिलैक्स मिल जाए, और ओवर स्लीपिंग ना हो, अंडर स्लीप, ये ओवर स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, और इतना भी शरीर थका नहीं रहना चाहिए कि वो बैठ रहा है, बैठते ही वो सो जा रहा है, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये सिर्फ बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें प्रॉपर रहेंगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। भक्ति इन वर्ड में, वन वर्ड मीन्स एब्जॉर्प्शन। हम चाहते हैं कि भक्ति की हम किसी भी क्रिया में लगे तो उसमें मन पूरी तरह निवेशित हो जाए, एकदम एब्जॉर्ब हो जाए उसमें मन, ये हमारी अपेक्षा है। तो ऐसा होने के लिए ये कंडीशंस बताई जा रही है, ये जिससे मन एब्जॉर्ब हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि योगी है उसको माइंड एकदम फिक्स रखना है। भगवान प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में हालांकि बताया है, दो उदाहरण दिए हैं, एक तो रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर। तो रूप गोस्वामी का उदाहरण दिया कि 2 2.5 घंटे ही सोते थे, 2 घंटे सोते थे, और हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया है कि वो 3 लाख माला करने के बाद ही प्रसाद लेते थे। हाँ, और तभी ना तो जब तक सोते थे ना प्रसाद लेते थे। तो प्रभुपाद जी ने कंक्लूड किया है, इस प्रकार जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति रहता है, इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता उसके लिए, और तनिक भी भौतिक अवकाश उसके लिए नहीं है, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति, सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता है। प्रभुपाद जी ने ऐसे करके इसको कंक्लूड किया है। और जहां भी भोजन को रेगुलेट करने की बात आती है, प्रभुपाद जी बोलते थे हमको ये नियम बनाना चाहिए कि हम लोग प्रसाद ही ग्रहण करें। तो केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम बनाने मात्र से भी बहुत कुछ रेगुलेट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा नियम नहीं बनाया है तो बाहर भी कुछ खा लेता है, वो भी कर लेता है, तो थोड़ा अनरेगुलेटेड हो जाता है। लेकिन केवल प्रसाद लेना है, इससे भी बहुत कुछ रेगुलेशन हो जाता है बिगिनिंग के लिए। ये इसी तरह किसी ने नियम बना के रखा है कि रोज मंगल आरती करना है, या सुबह उठ के पढ़ना है, जप करना है, तो उसकी जो नींद है वो रेगुलेटेड हो जाती है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की।